नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं सना दुआ, जम्मू कश्मीर की बेटी, और इन्होंने 2017 में मिस इंडिया का खिताब जीता है। तो आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। 2017 में आपने मिस इंडिया का क्राउन जीता और भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो ऊंचा किया, कैसा लगा उस टाइम पे? ये सवाल तो बड़ा अटपटा सा है क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन जम्मू में आप पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रहा होगा। कैसा उस टाइम पे आपको फील हुआ? बहुत ही अच्छा फील हुआ। आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए फील हुआ क्योंकि जम्मू से जब आप बिलोंग करते हो तो काफ़ी लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि पैजेंट्स और ये इंडस्ट्री क्या है। सो आई थिंक बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे जर्नी में, बट आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आई कुड मेक इट, एंड आई थिंक इट जस्ट ओपन अप सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, फॉर आर्टिस्ट्स इन द सिटी, एंड आई थिंक दैट रियली मेड मी हैप्पी। फैशन वर्ल्ड में कदम रखना और फिर इतना आगे उपलब्धियों को हासिल करते रहना, फिर उसके बाद जब आपको एक स्टेज मिल जाती है, फिर उसके बाद आपकी जो जर्नी शुरू होती है, उसमें जो हर्डल्स रहती हैं, उसमें जो चैलेंजेस रहते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं? क्योंकि चैलेंज के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आई थिंक मेरी अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते तो मेरी जर्नी शायद वो एक साल में ही ख़त्म हो जाती, राइट? तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस थे, उनसे मैंने इतना सीखा है दैट आई बीन एबल टू कार्व अ पाथ फॉर माई सेल्फ, कार्व अ करियर फॉर माई सेल्फ। इस टाइम पे मैं एक वेंचर को ओन करती हूँ, इमेजिन बियॉन्ड बाय सना दुआ, एंड इट्स अ ग्रूमिंग एजेंसी, एंड वी हैव ग्रूम्ड ओवर 10,000 प्लस वुमेन ऑल अक्रॉस इंडिया एंड इवन इंटरनेशनली, एंड आई थिंक ऑल दैट कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट आई हैव फेस्ड इन माई जर्नी, सो दैट कोई और फेस ना करे। आगे आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप तो आई थिंक दिल्ली में रहते होंगे या मुंबई में, तो जम्मू में कमबैक करना, जम्मू में फैशन को दोबारा से रिवाइव करना, कितना टफ है यहाँ पर? टफ तो है, टफ तो किसी भी सिटी में है। आई थिंक डेफिनेटली दिल्ली और मुंबई में यू नो द फैशन इंडस्ट्री इज़ मच मोर इवॉल्व्ड, पर आई थिंक जम्मू इज़ ऑल्सो बूमिंग। मैं देख रही हूँ जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, वेन एवर आई एम स्टेइंग हियर फॉर अ व्हाइल, आई जस्ट लुक अराउंड एंड आई सी वाओ, एवरीबडी इज़ डूइंग सो मच, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग दैट चेंज एंड टू ब्रिंग मिस यूनिवर्स JNK इन टू द रीजन। आप मिस यूनिवर्स JNK की बात कर रही हैं, तो इस इवेंट को आप जम्मू के लिए खास तौर पे किस तरह से तैयार करने वाली हैं, क्योंकि अगस्त में ये इवेंट होने जा रहा है जिसको लेकर आप आज एक बड़ी पत्रकार वार्ता भी कर रही हैं, तो कैसे देखती हैं? आई डेफिनेटली वांट कि मैं ये नहीं सिर्फ देख रही हूँ कि हम इस इवेंट को कितना बड़ा बना सकते हैं, मेरे को ये है कि जो लड़की जीतती है उसके लिए हम कितना बड़ा बना सकते हैं, राइट? क्योंकि मैं आई हैव बीन अ कंटेस्टेंट, आई हैव बीन देयर डन दैट, सो मुझे मैं सिर्फ उस एंगल से नहीं देखूंगी कि पैजेंट कैसा दिख रहा है, फ्रॉम अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू आई ऑल्सो सी फ्रॉम अ कंटेस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट उनको जो चाहिए होता है एक पैजेंट में, तो वो सब क्या फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैम, खासकर अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू अभी इतना एडवांस नहीं है सना जी, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज भी लड़कियों को ऐसी इंडस्ट्रीज में जाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन जैसे आपने कहा जम्मू अब बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उस समय को उन लड़कियों को खासकर जो आगे भी बढ़ना चाहती हैं लेकिन कुछ ना कुछ कारण रह जाते हैं, कभी फैमिली इश्यूज़, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़, कभी स्टडीज़, कभी कुछ, उनके लिए आप क्या मैसेज देती हैं? मैं उनसे ज़्यादा उनकी फैमिलीज़ को मैसेज देना चाहूँगी कि बाद में तो सब लोग सपोर्ट के लिए आते हैं, जो सपोर्ट चाहिए होता है वो एक बच्चे को स्टार्टिंग में चाहिए होता है, लाइक दैट इज़ द टाइम, लाइक जो मेरे लिए पीपल हु हैव सपोर्टेड मी व्हेन आई वाज नोबडी आर द पीपल हु आई विल ऑलवेज रिमेंबर ऑल माई लाइफ दैट दे सपोर्टेड मी एज अ नोबडी, एंड सो इवन इफ आई हैव बिकम समथिंग टुडे, लाइक दोज आर द पीपल दैट आई विल टेक विद मी। सो आई थिंक फैमिली सबसे पहले मैसेज आता है कि लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट टू डू एंड गिव देम अ चांस एंड लेट देम टेक देयर फ्लाइट। सर, आप मैं फिर से वही कहूँगी, आप फैशन वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं और आपने खिताब जीता है, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि लड़कियों को इस फील्ड में जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, खासकर अगर बात की जाए सोसाइटी की, तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो जब भी एक फैशन वर्ल्ड की दुनिया का नाम आता है तो वो दिमाग में रहती है चीज़ें कि वहाँ पर आपका शोषण होगा, वहाँ पर आपके साथ मिसबिहेव किया जाएगा, तो आपने इस फील्ड को देखा भी हुआ है, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगी जो खासकर लोग ये सोचते हैं कि शायद फैशन वर्ल्ड जाएंगे तो हमें उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा? देखिए, हो जो ये चीज़ें होती हैं ये बहुत
डिफरेंट करियर्स में भी हो सकती हैं. जस्ट दैट फैशन फील्ड ऐसा है कि वो सामने आके दिखती हैं और जो बाकी करियर्स हैं उसमें आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना उनके बारे में इतना हाइप नहीं है, इतना उनमें टेंशन नहीं है उनके ऊपर. सो डेफिनेटली मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि एवरीबडी हैज़ टू चूज़ देयर ओन पाथ. आई मीन देयर इज़ अ पाथ दैट यू कैन चूज लाइक अ शॉर्टर रूट, बट देयर इज ऑल्सो पाथ दैट यू कैन चूज विच इज़ द लॉन्गर रूट. एंड आई थिंक आई हैव बीन देयर डन दैट. आई थिंक आई स्टैंड हियर एज एन एग्जाम्पल टू ऑल दीज वुमेन कि मेरे को एक ऐसे एक बारी में तो मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, मैं बहुत सारे फेल्ड ऑडिशंस के थ्रू गई हूँ, अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप पे काम किया, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. चैलेंज क्या मानती हैं इस फील्ड में? चैलेंज डेफिनेटली आई थिंक फैमिली और फाइनेंशियली थोड़ा बहुत यू नो गर्ल्स कैन फेस दैट इशू बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है, बट अब जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक. सो डेफिनेटली दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज टू हैव योर फैमिली विद यू एट ऑल टाइम्स, यू नो कि दे आर सपोर्टिंग यू एट द बैक. सो वो आई थिंक हर किसी को नहीं मिलता है. कंसेप्ट क्या था जम्मू कश्मीर में मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर लाने का? मिस यूनिवर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे पैजेंट्स में देखती हूँ होते हैं, बट लड़कियों को वो एक नेशनल इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है. आई थिंक ऐसे जो एक हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर लेके आएँ जहाँ पे जो विनर है वो सीधा मिस यूनिवर्स इंडिया में जा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, आई मीन हु नोज़, शी कुड बी द नेक्स्ट सुष्मिता सेन, द नेक्स्ट लारा दत्ता और द नेक्स्ट हरनाज कौर संधू. सो दिस वॉज द आइडिया एंड वी आर हियर. और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो इस कंटेस्ट को आप किस तरह से देखती हैं कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और क्या इसका फुटफॉल रहेगा? आई थिंक देखिए फुटफॉल मैं ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि अभी ये सिर्फ एक स्टार्ट है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस. दिस विल सेट द फाउंडेशन एंड द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स. तो आई एम श्योर जब इस साल लोग देखेंगे कि कैसा हुआ, क्या यू नो विनर के लिए क्या क्या रहा, कैसा रहा, आई एम श्योर थिंग्स विल गेट बेटर फॉर फ्यूचर. सना जी आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा आपने 2017 में मिस इंडिया का खिताब जीता, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया, आप पहली जम्मू कश्मीर की लड़की थी जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता है और आने वाले समय में हम आपकी फ्यूचर के भी और सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जो है, आगे आपकी जर्नी क्या है? क्या आगे आप मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के लिए ट्राई कर रही हैं? आई मीन आई हैव ऑलरेडी बीन टू माय इंटरनेशनल पेजेंट. आई वन बैक इन लाइक 2017, आई वाज क्राउन्ड वन ऑफ द विनर्स एंड मेरा इंटरनेशनल पेजेंट उसी साल था. वी वर इन द टॉप 10 इंटरनेशनली ग्लोबली एंड उसके बाद वापस आकर आई हैव लॉन्च्ड माय ओन वेंचर व्हिच इज़ बुटीक ग्रूमिंग एजेंसी लाइक आई सेड. एंड मेरा यही मोटिव है, मिशन है, विजन है कि मैं जितनी लड़कियों को एम्पावर कर सकूँ करूँ. आई थिंक एम्पावरमेंट तो हम सब में ऑलरेडी है, सिर्फ वो एक पहचान लाने की जरूरत है कि हाँ वी आर फुलफिल्ड इन ourselves. सो आई थिंक वही एक बस मिशन और विजन है और उसी को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ. मैम ग्रेट है जो मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद और आपके फ्यूचर के लिए गुड विशेस. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. तो ये थी हमारे साथ मिस इंडिया 2017 में बनी सना दुआ जी, जिनसे हमने बातचीत करी और जिस तरह से इनका विजन है और जम्मू में जिस तरह से मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर होने जा रहा है, तो ऐसे में इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं उन्हें फैशन वर्ल्ड में किस तरह से आगे ग्रूम करना है, जो चाहती हैं उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी लेकर आई हैं. तो ये आने वाले समय में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर मिस यूनिवर्स. इस इवेंट में आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आई थिंक अगर आप फैशन वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है. क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद.